बड़ापुर पुलिस ने आज अवैध शराब बनाए जाने का पता चलने पर कार्रवाई करते हुए 3 शराब की भट्टियां, शराब बनाने के उपकरण और मौके से 1500 लीटर लहन नष्ट करने के साथ साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इनमें से 9 अभियुक्त भागने में कामयाब हो गए, उनकी तलाश में पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। आज जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि पुलिस द्वारा थाना बड़ापुर, अफजलगढ़ और रेहड़ और आबकारी टीम ने जंगलों में कॉम्बिंग की और कई जगह छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने आरक्षित वन क्षेत्र मधपुरी में छापेमारी के दौरान एक शराब की भट्टी और अभियुक्त रणवीर सिंह को अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण और एक पल्सर मोटरसाइकिल नंबर UP20P5070 सहित गिरफ्तार किया है। इसके 3 साथी कुलदीप, जगीरा और बलविंदर उर्फ भालू मौका देखकर भाग खड़े हुए। इसके अलावा गांव चंपतपुर चकला में भी पुलिस की छापेमारी के दौरान 2 शराब की भट्टियों से अवैध शराब, 2 लोहे के ड्रम, 2 एल्युमिनियम पाइप और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। यहां से पुलिस को गच्चा देकर 5 अभियुक्त कृष्ण सिंह, अमरीक सिंह, चांद सिंह, कुलविंदर सिंह और राम सिंह फरार हो गए। इन दोनों जगहों के अलावा भी पुलिस ने मधपुरी में छापेमारी की, जहां से एक औरत रज्जो पत्नी मंगी उर्फ मंगल सिंह निवासी गांव मधपुरी बड़ापुर भागने में कामयाब रही। इन सब में सिर्फ एक युवक रणवीर सिंह पुत्र रंजीत सिंह बड़ापुर पुलिस के हाथ लगा है, जिसको जेल भेज दिया गया है। थाना बड़ापुर पुलिस, वहाँ के क्षेत्राधिकारी, पुलिस PSC बल के साथ चंपतपुर चकला और मधपुरा गांव में आज रेड किया गया। रेड के दौरान कई भट्टियाँ पकड़ी गई, तोड़ी गई, शराब लगभग 500 लीटर और लहन लगभग 1500 लीटर इसको नष्ट किया गया। इसके अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, लेकिन 9 अभियुक्त भागने में सफल रहे हैं। टीम बना करके इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ापुर क्षेत्र जो देसी कच्ची शराब बनाने का इलाका है, इस पर लगातार चौकसी, दबिश, गिरफ्तारी के की कार्रवाई की जा रही है।